हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल और पीआरटी इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। अगर आप झारखंड में जेएसएससी सीजीएल और झारखंड से आगे शिक्षक बनने के लिए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सीजीएल और झारखंड से आगे शिक्षक दोनों का लगभग सेम सिलेबस दिया गया है। तो मैंने पिछले वीडियो में ड्रामा सेक्शन के फर्स्ट ड्रामा द टेम्पेस्ट पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं, उस पर मैंने डिटेल से सर्च किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब में जाकर देख लेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगी और आप अधिक से अधिक एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में ड्रामा सेक्शन के सेकंड ड्रामा डॉक्टर फाउस्टस के राइटर क्रिस्टोफर मार्लावे के बारे में डिटेल से सर्च करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का दो वीडियो बनाता हूँ, एक राइटर के बारे में और दूसरा उसके प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स के बारे में। आपसे एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी राइटर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उससे प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स से भी पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक हम लोग नॉवल सेक्शंस के जितने सारे नॉवल हैं और उसके जो राइटर है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना लिया है और आपका यूट्यूब में अवेलेबल है, आप यूट्यूब में जाकर देख लेंगे। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चैप्टर का दो दो वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छा से हो जाएगा। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी लास्ट तक करना चाहते हैं कि मेरी प्रिपरेशन ठीक से हो जाए, तो लास्ट तक मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देख लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लावे से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं, जो TGT PGT PRT DSSSC या कोई भी सुपर टेट में पूछा जाता है, उस पर मैंने उस पर बेस्ड क्वेश्चन को मैंने आपके लिए चूज़ किया है। यानी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे, क्रिस्टोफर मार्लावे से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में, आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में क्रिस्टोफर मार्लावे है तो आपको इजी वे में आप एग्जाम में आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं पॉइंट वाइज। ओके, क्रिस्टोफर मार्लावे कौन थे और ये इनका एक तरह का बायोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनके वर्क्स पढ़ रहे हैं, लाइफ एंड वर्क्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। इंग्लिश प्ले राइट, यानी सबसे पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि क्रिस्टोफर मार्लावे एक इंग्लिश प्ले राइट थे। बोले तो ड्रामा लिखते थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, पोएट थे, स्पाई थे, ट्रांसलेटर थे। तो चारों पॉइंट को आप याद रखेंगे। ओके, क्रिस्टोफर मार्लावे क्या थे, आपको नॉवेलिस्ट भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम में नॉवेलिस्ट को ही आप टिक करके आ जाएंगे या बना के आ जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे वो नॉवेलिस्ट नहीं थे बल्कि प्ले राइट थे, एसेस्ट नहीं थे, याद रखेंगे। तो क्या थे, इंग्लिश प्ले राइट थे, पोएट थे, स्पाई थे, ट्रांसलेटर थे। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, बॉर्न, यानी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्रिस्टोफर मार्लावे का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो याद रखेंगे 6 फरवरी, ओके, 6 फरवरी 1564 कैंटरबरी इंग्लैंड, बोले तो UK, ओके, यानी यूनाइटेड किंगडम, यानी 6 फरवरी 1564 में कैंटरबरी इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ओके, और इनका बैप्टाइज जो हुआ था, बैप्टाइज बोले तो उनका नामकरण जो हुआ था 26 फरवरी 1564। तो कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि उनका बैप्टाइजेशन कब हुआ था। तो 26 फरवरी यानी 26 फरवरी 1564 में एट द चर्च सेंट जोज मेरी मार्टियर। तो याद रखेंगे कहाँ हुआ था इनका बैप्टाइजेशन, तो याद रखेंगे चर्च जोर्ज मार्टायर। ओके, और कब हुआ था, 26 फरवरी 1564। तो यहाँ से हम लोग इनके जो है पेरेंट्स का नाम जान लेते हैं कि इनके पेरेंट्स कौन थे। जॉन मार्लावे याद रखेंगे इनके फादर थे और ये शू मेकर थे, यानी शू मेकर आप समझ रहे हैं। ओके, और कैथरीन उनकी मम्मी का नाम था, मदर का नाम था कैथरीन मार्लावे। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु आर द पेरेंट्स ऑफ यानी क्रिस्टोफर मार्लावे, तो याद रखेंगे जॉन मार्लावे फादर्स नेम और कैथरीन मार्लावे मदर्स नेम। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे डैड, इनकी मृत्यु कब हुई, यानी इनका इनका जो है इस दुनिया से कब चले गए। तो याद रखेंगे डैड 30 मई यानी 30 मई 1593 1593 में, यानी आप देखेंगे तो बहुत ही कम इनका एज था, यानी 1564 और देखेंगे 1593 में इनकी डेथ हो गई, लगभग इनका एज था 29 ईयर्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका एज कितना था, कितनी एज की उम्र में उनको डेथ किए थे, कब मर गए थे, कब उनकी मृत्यु हो गई थी, कितने साल की उम्र में, तो 29 ईयर्स में ओके एज उनका था।
और कब हुआ था, 30 मई 1593 में, और कहाँ हुआ था, देप्ट फोर्ड यूके, यहीं पे उनको जो है बरी किया गया था, बरीड किया गया था, यहीं उनको जो है दफनाया भी गया था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दफनाया कहाँ गया था, देप्ट फोर्ड पार्क कोई था वहीं पर किया गया था। स्पॉज नेम यानी स्पॉज वाइफ नेम इनका जो है, इनके वाइफ का नाम क्या था, कैथरीन, याद रखेंगे कैथरीन नाम था। किनके वाइफ का, क्रिस्टोफर मार्लावे के वाइफ का नाम था कैथरीन। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, बिलोंग्स टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बिलोंग्स टू, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। एक एक का जो है, कोई भी राइटर अगर आपके बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, उस राइटर का एज पूछा जाता है, सेंचुरी पूछा जाता है, और वो किस एज से बिलोंग करते थे तो वो पूछा जाता है। तो याद रखेंगे 16 सेंचुरी के थे। आप देखेंगे तो 1564 में जन्म हुआ था शेक्सपियर का भी, विलियम शेक्सपियर, जो ग्रेट कह सकते हैं विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट या प्ले राइट थे, पोइट भी थे। तो ये 1564 में ही लगभग इनका जन्म हुआ था। ओके, 23 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, 23 अप्रैल याद रखेंगे, 23 अप्रैल 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, और इनका 6 फरवरी 1564 में, यानी लगभग टाइम पीरियड एक ही था, लगभग एक ही सेंचुरी में जन्म इनका हुआ था। तो कब हुआ था, 16 सेंचुरी से बिलोंग करते थे, एलिजाबेथन एज था, रिनेसा एज भी इसको कहा जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद ही रख लेंगे, एकदम क्लियरली आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और मेरे वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप नोट डाउन करते जाएंगे हर एक पॉइंट को, और अगर आराम से लास्ट तक देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत भी पड़ेगी, कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी YouTube में आपको खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, कंटेम्परेरी कहा जाता है, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, यानी उसके काल का, उस सेंचुरी में, उस टाइम पीरियड में कौन इनके राइटर थे। तो हम लोग बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर, अभी बात कर रहे थे कि विलियम शेक्सपियर उनके समकालीन थे, अगर शायद इनकी अगर मृत्यु नहीं होती तो शायद इनको भी पीछे छोड़ देते, विलियम शेक्सपियर को भी छोड़ देते, क्योंकि ये बहुत कम एज में, 29 ईयर्स में दुनिया को दिखा दिया था कि हम कौन थे। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे अगर क्रिस्टोफर मार्लावे के बारे में पढ़ेंगे और विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे तो विलियम शेक्सपियर भी क्रिस्टोफर मार्लावे से ही इंस्पायर्ड होते थे, उनके प्लेराइट्स को, उनके ड्रामाट को, उनके प्लेस को पढ़ते थे, उनके कविताओं को पढ़ते थे और इंस्पायर भी हुए थे। तो यहां याद रखेंगे, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है क्रिस्टोफर मार्लावे से कौन कौन इंस्पायर्ड हुए थे, तो हम लोग आगे जानेंगे। ओके, यानी विलियम शेक्सपियर याद रख लेंगे इंस्पायर्ड हुए थे। कंटेम्प्रेरी राइटर कौन थे, विलियम शेक्सपियर एंड रॉबर्ट ग्रीन, दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, दोनों राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रूममेट मतलब उनके साथ जो रहने वाला, जो साथ में रहता था, एक ही लॉज में रहते थे वो लोग, तो थॉमस कीड थे। और थॉमस कीड का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका वर्क था, उसका नाम था, वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉमस कीड के द्वारा कौन सा जो है वर्क लिखा गया था जो इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी। यानी यहाँ आप यहीं से याद रखेंगे उनका रूममेट, उनके साथ जो रहने वाले, यानी क्रिस्टोफर मार्लावे के साथ कौन रहते थे, तो थॉमस कीड रहते थे, और थॉमस कीड का जो ग्रेट वर्क कौन था, तो द स्पेनिश ट्रेजेडी याद रखेंगे। फर्स्ट प्ले हम लोग बात कर रहे हैं विलियम जो है क्रिस्टोफर मार्लावे का फर्स्ट प्ले कौन है, फर्स्ट ड्रामा कौन है एक तरह का, तो याद रखेंगे टैम्बूरलेन द ग्रेट। ओके, 1587 में इसको पब्लिश कराया गया। ओके, और ये इन ब्लैंक वर्स, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, याद रखेंगे पार्ट वन इसको किया गया था, यानी द टैम्बूरलेन द ग्रेट 1587 में किया गया, ये पार्ट वन था। पार्ट टू इसका पार्ट बहुत सक्सेस हुआ, जब क्रिस्टोफर मार्लावे को यहीं से नेम एंड फेम मिला, यहीं से उनको पॉपुलरिटी मिली, यहीं से उनको पब्लिसिटी मिली, तो ये छा जाने लगे, दुनिया उनको जानने लगी। तो किससे, कौन सा वर्क था, पहला प्ले था, नाम क्या था, टैम्बूरलेन द ग्रेट, 1587 में इसको पब्लिश किया गया था, और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था इसको। जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ तो इन्होंने पार्ट टू का भी जो है उसका सिक्वल बना दिया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नॉन एज यानी क्रिस्टोफर मार्लावे किस रूप में जाने जाते हैं, तो द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजडी कहा जाता है, याद रखेंगे द फादर, हु इज, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हु इज नॉन इज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजडी। ओके, तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर मार्लावे इंडिया, और इसको कहा जाता है इन्फ्लुएंसल आर्टिस्ट भी कहा जाता है, इन्फ्लुएंसल आर्टिस्ट, और इन्फ्लुएंसल आर्टिस्ट किसने कहा, तो याद रखेंगे स्विंबर ने कहा था, किसने कहा था, स्विंबर ने क्रिस्टोफर मार्लावे को क्या कहा था, स्विंबर ने इन्फ्लुएंसल आर्टिस्ट, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे रिगार्डेड एज,
मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स, इनको जो है रिगार्डेड किया जाता है किस रूप में, मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स यानी ब्लैंक वर्स का मास्टर कहा जाता है, या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स, इनको इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स यानी ब्लैंक वर्स, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स का स्थापना करने वाले या इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, तो क्रिस्टोफर मार्लावे भी थे। तो यहाँ से दो पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास्टर ऑफ ब्लैंक वर्स कहा जाता है इनको क्रिस्टोफर मार्लावे को, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, जोनरा यानी इन्होंने जो भी अपने वर्क्स लिखे अपने जीवन काल में, लाइफ लॉन्ग में जो भी लिखे, तो उनको जो है उनका जोनरा क्या होता था, जोनर क्या होता था, तो रिनेशा ड्रामा कहा जाता था उनको, उनके वर्क्स को, और ये बेस्ड होते थे, रिनेशा पोएट्री भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ड्रामा भी लिखा, ड्रामाटिस्ट थे या बोले तो प्ले राइट थे, और पोएम लिखते थे, पोएट थे। तो याद रखेंगे रिनेशा ड्रामा, और दूसरा पॉइंट है रिनेशा पोएट्री। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे थीम्स, यानी इन्होंने जो भी वर्क्स लिखे तो उनका जो है जो कॉमन थीम क्या होता था, तो याद रखेंगे डेविल वर्शिप, यानी इसमें दिखाया जाता था कि डेविल को कैसे वर्शिप किया जाता है, डेविल का जो है पूजा किया जाता था, शैतान का, सैटन जिसको कहते हैं, उसका जो घोस्ट पर आधारित होता था इनका जो है अधिकतर प्लेज या पोएम जो है किस पर बेस्ड होते थे, घोस्ट पर, डेविल पर होते थे। तो डेविल वर्शिप जो है इनका थीम हुआ करता था। होमोसेक्सुअलिटी, ओके, होमोसेक्सुअलिटी पर भी इन्होंने बहुत सारे प्लेज को लिखा जो उनका थीम होता था। उसके बाद इसको जो है फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, याद रखेंगे हु इज नॉन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर मार्लावे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रोट 7 प्लेज ओनली ट्रेजडीज, यानी क्रिस्टोफर मार्लावे ने सिर्फ जो है 7 प्लेज ही लिखा, उनकी जो है उनका लाइफ स्पेन यानी लाइफ टाइम पीरियड जो था उनका तो सिर्फ 29 ईयर्स था, यानी बहुत ही कम एज में उनका मृत्यु हो गया था, आप समझ पा रहे हैं। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 ही प्लेज लिखे थे और इनकी मृत्यु हो गई थी, और 7 प्लेज में दुनिया को इन्होंने दिखा दिया था कि मुझमें कितना दम है, कितना एलिजिबिलिटी है, कितना मुझमें कह सकते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, टैलेंट अपने उन्होंने अपना लोगों को दिखा दिया था। तो 7 प्लेज लिखा था, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मेनी प्लेज आर देयर ऑफ क्रिस्टोफर मार्लावे, तो आप याद रखेंगे 7 प्लेज, और वो भी सारे प्लेज क्या थे, ओनली ट्रेजडीज थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेजडी थे, यानी दुख भरा जो है उनका ड्रामा हुआ करता था, कॉमेडी नहीं थे, या ट्रेजडी कॉमेडी नहीं थे, या कॉमेडी ट्रेजडी नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेजडीज थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेजर प्लेज यानी उनका जो है मेजर प्लेज, जो इंपॉर्टेंट प्लेज है, जो चीफ जो है प्लेज है, कौन सा है, डॉक्टर फाउस्टस, जो आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, जिसको आपको पढ़ना है, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा, ये फर्स्ट वीडियो बन रहा है हमारा, हम लोगों का इस चैप्टर का, क्रिस्टोफर मार्लावे पार्ट 1 कह सकते हैं, पार्ट 2 में हम लोग इसका जो है जो आपके सिलेबस में जो दिया गया है डॉक्टर फाउस्टस, उस पर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप उस वीडियो को भी देख लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा, आप इजी वे में उसका आंसर कर पाएंगे, ओके, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम लोग देखते हैं, मेजर प्लेज डॉक्टर फाउस्टस था, द जेव ऑफ माल्टा था, एडवर्ड सेकेंड था, ये हिस्टोरिकल जो है ड्रामा है, याद रखेंगे एडवर्ड सेकेंड। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यानी आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इन्होंने तो बहुत सारे प्लेज लिखे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तो एग्जाम में पूछा जाता, उसी को मैंने आपके लिए इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मेजर पॉइंट्स, इनका मेजर पॉइंट्स कौन था, यानी चीफ पॉइंट्स कौन था जिसमें इनको पब्लिसिटी मिली, ओके। तो याद रखेंगे द मसकर ऑफ पेरिस, ओके, और दूसरा जो है हीरो एंड लिएंडर, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखेंगे, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं, देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट में है, देखिए मार्लावे ट्रांसलेटेड लुकंस फर्सेलिया, इसको जो है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्लावे ने ट्रांसलेट किया था किसका, तो लुकंस का, कौन सा पुअर के को, फर्सेलिया, उसके बाद ओविड का कौन सा, एमोर्स याद रखेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को, 16 पॉइंट को जो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो याद रखेंगे, यानी कहने का या मतलब है क्रिस्टोफर मार्लावे में ट्रांसलेट किया था, अपने जीवन की शुरुआत की थी, ट्रांसलेट पहले किया था किसका, लुकेंस फर्सेलिया और ओबिड्स
एमोस याद रखेंगे। इनका एजुकेशन जो है कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, मैंने जो है आपके लिए इसको नोट डाउन नहीं किया है, एजुकेशन भी लिख लेंगे। इनका एजुकेशन जो हुआ था द किंग्स स्कूल में हुआ था, याद रखेंगे प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन हुआ था इनका किंग्स स्कूल में, और कॉलेज जो है कॉलेज वाला जो पढ़ाई हुआ था यानी आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी में, तो कॉर्पस कॉलेज कैम्ब्रिज ओके। और बी ए इन्होंने कब किया था 1984 में किया था याद रखेंगे, और एम ए किया था सॉरी 1587 में एमए किया था, तो इसको याद रख लेंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को 17 में, ठीक है। फेमस फॉर यानी ये जो क्रिस्टोफर मार्लावे है किसके लिए फेमस है, किसके लिए इनको जाना जाता है, तो याद रखेंगे द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस, यानी यही डॉक्टर फाउस्टस की बात कर रहे थे जो आपके सिलेबस में है, जो हम लोग अगले वीडियो में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, आप उसको जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे इसका जो डॉक्टर फाउस्टस है इसका पूरा नाम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। कभी कभी ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो है फुल नेम क्या है डॉक्टर फाउस्टस का, तो पूरा नाम को याद रखेंगे ओके। और इसी के लिए यहीं से इनको पब्लिसिटी मिला द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस, जो हम लोग अगले वीडियो में इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, रोट इन कोलेबरेशन विथ नेस के साथ जो है इन्होंने, नेस के साथ जो है इन्होंने एक मिलकर कोलेबरेशन, इन कोलेबरेशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर इन्होंने लिखा, वो क्या लिखा था डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, याद रखेंगे डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज लिखा था क्रिस्टोफर मार्लावे में ने ओके। तो एक साथ पहले मिलकर लिखते थे, उसके बाद जब इनको लगा कि मुझ में एबिलिटी है मैं लिख सकता हूँ, तब इन्होंने अपने आप अकेला लिखना शुरू कर दिया ओके। और बहुत से बड़े जो है ड्रामा लिखा इन्होंने, ग्रेट ड्रामा लिखा द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फाउस्टस। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 18 पॉइंट को देखेंगे कि आपको पूछा जा सकता है कि नेसे के साथ जो है मिलकर कौन सा जो है वर्क को लिखा था, तो डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे द जे ऑफ माल्टा जिसको पब्लिश किया गया था 1589 में, वाज द सोर्स ऑफ यानी ये सोर्स बना किसका, एज यू लाइक इट, यानी एक विलियम शेक्सपियर आपको हम लोग बात कर रहे थे कि विलियम शेक्सपियर कंटेम्प्रेरी राइटर थे, समकालीन लेखक थे किसके, क्रिस्टोफर मार्लावे के, और जब इनकी मृत्यु हो गई थी 29 साल के एज में ही, तो इन ये तो इंफ्लुएंस थे, इससे प्रभावित थे विलियम शेक्सपियर, इनसे एक तरह का मेंटर का सॉरी यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लावे को ही उन्होंने मेंटर बनाया था एक तरह का, उसी से इंस्पायर्ड हुए थे विलियम शेक्सपियर। तो उनका जो है जब विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट को देखेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पता चलेगा कि विलियम शेक्सपियर ने जो है द जे ऑफ माल्टा से कैसे सोर्स लिया था, ठीक है, यानी सोर्सेज जो है उन्होंने सोर्स जो लिया था विलियम शेक्सपियर का ओके, विलियम शेक्सपियर ने लिया था। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मार्लावे वाज द पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वीट्स, ठीक है, यानी क्रिस्टोफर मार्लावे एक पार्ट थे यूनिवर्सिटी वीट्स का, और यूनिवर्सिटी वीट्स में कितने लोग थे याद रखेंगे, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस लोज, थॉमस नेसे, क्रिस्टोफर मार्लावे एंड रॉबर्ट ग्रीन, लगभग 7 जो है 7 यूनिवर्सिटी वीट्स थे याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन शायद 7 थे, आप इसको देख लेंगे, मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहता हूँ। यानी कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लावे यूनिवर्सिटी वीट्स का एक पार्ट हुआ करते थे ओके, जो है और उसके साथ कौन कौन थे यूनिवर्सिटी में, किनको किनको नाम इंक्लूड है ओके, तो इन सारे राइटर का को याद कर लेंगे ओके। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, शेक्सपियर ट्रिब्यूटेड मार्लावे थ्रू द लाइन ऑफ मार्लावेज हीरो एंड लियंडर इन एज यू लाइक इट। तो देखिए विलियम शेक्सपियर जो है ना, आप उनसे जो है विलियम शेक्सपियर क्रिस्टोफर मार्लावे से प्रभावित थे ही, इंस्पायर्ड थे, इंस्पायर्ड थे, तो इन्होंने जो है विलियम शेक्सपियर ने ट्रिब्यूट किया था मार्लावे को, यानी क्रिस्टोफर मार्लावे को, एक लाइन लेके उनके कुछ लाइंस के लेके, यानी हीरो द लियंडर का लाइन ही लिया था, यानी कह सकते हैं कि जो क्रिस्टोफर मार्लावे ने जो पोएम लिखा था हीरो द लियंडर, तो उसी के लाइन को है जो है विलियम शेक्सपियर ने अपने कॉमेडी एज यू लाइक इट में इंक्लूड किया था, एक तरह का ट्रिब्यूट दिया था उनको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मियरली द म्यूज डार्लिंग, तो क्रिस्टोफर मार्लावे को कहा, किसने कहा था, जॉर्ज पील ने कहा, जॉर्ज पील जो होते थे यूनिवर्सिटी विस्ट का पार्ट होते थे, उन्होंने क्रिस्टोफर मार्लावे के लिए कहा, एक स्टेटमेंट दिया कि मियरली द म्यूज डार्लिंग। तो याद रखेंगे यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु सेड
यहूज स्टेटमेंट इज दिस मियरली द म्यूज डार्लिंग, तो याद रखेंगे जोसफिन। ओके नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में है मार्लावे हेड वायलेंट टेम्पर एंड क्रूयल हार्ट, इसको किसने कहा, थॉमस कीड ने कहा था। थॉमस कीड कौन होते हैं, कौन थे, रूममेट थे किनके, क्रिस्टोफर मार्लावे के, तो याद रखेंगे उन्होंने क्या कहा, मार्लावे हेड ए वायलेंट टेम्पर एंड क्रूयल हार्ट। ओके आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं, बहुत एक तरह का डेंजरस स्टेटमेंट था ये। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मार्लावेज माइटी लाइन्स, तो ये को किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा, याद रखेंगे बेन जॉनसन ने कहा मार्लावेज माइटी लाइन्स। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, मनी कैन कांट बाय लव बट इट इम्प्रूव्स योर पोजीशन, यानी जो है क्रिस्टोफर मार्लावे का स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा कि मनी कांट जो है बाय, कह सकते हैं कि बाय लव, यानी पैसा जो है, धन दौलत जो है लव को खरीद नहीं सकता है, परचेज नहीं कर सकता है, बट इट इम्प्रूव्स योर पोजीशन, लेकिन ये आपकी पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है। ओके किसने कहा, क्रिस्टोफर मार्लावे ने, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेटमेंट है किसका, क्रिस्टोफर मार्लावे का, मनी कांट बाय लव बट इट इम्प्रूव्स योर पोजीशन, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, यानी इनका कहना है क्रिस्टोफर मार्लावे का कि जिसने कभी प्यार किया है तो वो जो है पहला फर्स्ट साइट, इसका मतलब है कि फर्स्ट साइट में उसको लव नहीं हो सकता। ओके और विलियम शेक्सपियर के बारे में जब देखेंगे, इनके समकालीन में जो राइटर थे, इन्होंने क्या कहा था लव एट फर्स्ट साइट, यानी विलियम शेक्सपियर का थ्योरी था लव एट फर्स्ट साइट, लेकिन इनका क्या कहना था, ओके इनका कहना था जिसने कभी प्यार किया है हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहली बार में प्यार कर रहा है, यानी पहला ही नज़र में कर रहा है, पहली नज़र में, और ये किनका स्टेटमेंट था, सॉरी क्रिस्टोफर मार्लावे का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑल प्लेसेस आर अलाइक एंड एवरी अर्थ इज फिट फॉर बरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद करेंगे कि इन्होंने कहा कि दुनिया में जितने सारे प्लेसेस हैं, जितने सारे स्थान हैं, अलाइक हैं, यानी एक ही जैसे हैं। ओके एंड एवरी अर्थ इज फिट फॉर बरियल, और बरियल के लिए पूरी दुनिया का, पूरा पृथ्वी बरियल के लिए फिट है, बरियल मतलब दफनाने के लिए फिट है, यानी जब आदमी कोई मर जाता है तो वहाँ पे दफनाया जा सकता है किसी भी जगह पे, तो एक हिडन मीनिंग भी देता है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपसे हिडन मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा हु सेड या हुज स्टेटमेंट इज दिस ऑल प्लेसेस आर अलाइक एंड एवरी अर्थ इज फिट फॉर बरियल, तो याद रखेंगे क्रिस्टोफर मार्लावे। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, व्हाट फिट्स मी डिस्ट्रॉयज मी, क्रिस्टोफर मार्लावे ने क्या क्या, जो मुझे फीड करता है, जो चीज़ मुझे खिलाता है, वही मुझे क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओके और ये किसने कहा, क्रिस्टोफर मार्लावे कहा ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अबव आवर लाइफ वी लव ए स्टीडफास्ट फ्रेंड, ओके क्रिस्टोफर मार्लावे, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आई होप आप समझ चुके होंगे क्रिस्टोफर मार्लावे से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस जो है इस राइटर से पूछे जाएंगे, अगर बोले तो क्रिस्टोफर मार्लावे से आपके एग्जाम में, तो आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ही मेहनत से आपके लिए एक एक करके जो है पॉइंट को मैंने कलेक्ट किया है, और आपके लिए जो है आपके लिए सजा कर लिखा आपके लिए, तो ऑटोमेटिक जो है अगर आप याद नहीं हुआ या आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक से दो बार और देख लेंगे वीडियो को, तो आपकी प्रिपरेशन ठीक से हो जाएगी, आपको नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।